व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, किस तरह से सूडान का सदर सलामी लेते हुए पतरून में ही पेशाब कर देता है, कैसे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में जंगली डांस की रसूमात अदा की जाती है, पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन करवाए जाते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी तीर चलाते चलाते अपना भाला जख्मी करने वाले थे, और कैसे एक लड़का मरियम नवाज के मेकअप की वजह से उसका दीवाना हुआ और नानी की आशिकी में खंबे पर चढ़ गया। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम आपको दुनिया भर के फनी लीडर्स के कुछ फनी लम्हात दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले इस वीडियो को देखें, जहां पर सूडान के सदर के साथ अजीब वाकया हो जाता है। उम्र गुजरने के साथ साथ इनके नेट बुलेट ढीले हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये अपना सुसु कंट्रोल नहीं कर पाते। सलामी लेते हुए सदर साहब को पतरून में ही पेशाब निकल जाता है। जब तक इन्हें इस बात का पता चलता, काफी देर हो चुकी थी। अब यार, अगर बुड्ढे सियासत करेंगे तो फिर यही कुछ होगा, इसीलिए सियासत में यंग लड़कों को होना चाहिए। आखिर कब तक ये बुड्ढे सियासत करेंगे? कल पता चले कि सदर साहब ने पतरून में टट्टी कर दी, यकीनन ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, फ्रांस के सदर मैक्रोन को हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ता है। एक वक्त था जब इसने बहुत मकबूलियत हासिल की थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके अपने मुल्क के लोग ही हाथ में जूता लिए मैक्रोन का इंतजार करने लगे। इस वीडियो में एक फैन ने मैक्रोन को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। मैक्रोन इसी गलत फहमी में था कि फैन से उसे पप्पी मिलेगी, लेकिन नाराज फैन ने इसे एक ऐसा लाफा मारा कि सदर साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। कैसी लगी आगे स्वाद? अब अमेरिकन सदर जो बाइडेन की इस वीडियो को देखें, जहां वो भरी महफिल में चलते चलते स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। लगता है जो बाइडेन चाचू के भी अब गिट्टे गोडे खड़क चुके हैं। हेलो। बहुत नाजुक सूरत हाल। ऐसे ही इस अगली वीडियो में भी जो बाइडेन चाचू जहाज की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक बार नहीं तीन तीन बार गिर जाते हैं। पता नहीं दुनिया भर में एक्सपायर लोगों को ही क्यों हुकूमत दी जाती है। हेलो। अभी अगली वीडियो में अमेरिकी शहर लॉस वेगास में सजा सुनाने के दौरान एक मुजरिम न सिर्फ जज के ऊपर छलांग लगाता है, बल्कि उसकी ठीक ठाक धुलाई भी कर देता है। अब यार, जिस तरह से पाकिस्तानी अदलिया फैसले दे रही है, अवाम ने इंसाफ के लिए यही कुछ करना शुरू कर देना है। दोस्तों, मरियम नवाज के साथ पैदा होने वाली औरतें नानी दादी परदादी बन चुकी हैं, या फिर दुनिया फानी को खैराबाद कह चुकी हैं, लेकिन मरियम नवाज ने अवाम के पैसे का खूब इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ सालों से नानी ने सर्जरियां करवा करवा के पाकिस्तान के नौजवानों का बुरा हाल कर दिया है। इनमें से एक नौजवान तो मरियम नवाज की मोहब्बत में खंभे पे चढ़ गया। मेहरान नामी इस पटवारी का मुतालबा ये था कि मरियम नवाज को मुल्तान बुलाया जाए। मतलब यार, दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अब जरा इस वीडियो को देखें, जो कोई जंगलियों का अखाड़ा नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की एक खातून मेंबर अपने एक ट्रेडिशनल तराना गुनगुना रही है, जो कि इनकी मुकामी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, और ये सुनने में ऐसे ही लगता है कि जंगल के जंगलियों को भूख लगी हो और उन्हें कोई शिकार न मिले। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब नए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो शुरुआत में इन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की तरह कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर कर देते थे जिससे लोगों को हंसने का मौका मिल जाता था। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़ी बुरी तरह से सीढ़ियों पर लैंड हो जाते हैं। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही और अगर नरेंद्र मोदी की मीम्स की बात की जाए तो आजकल के यूट्यूबर्स की वीडियो नरेंद्र मोदी के मीम्स के बिना मुकम्मल ही नहीं होती। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मजा नहीं आ रहा है। एक बार तो नरेंद्र मोदी तीर चलाते चलाते अपना तीर ही जख्मी करने वाले थे। वाह। 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 कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों बात हो चाहे पाकिस्तान के बिलावल उर्फ बिल्लो रानी की या फिर इंडिया के राहुल गांधी की जिन्हें पप्पू के नाम से जाना जाता है, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं। ये जब भी बोलते हैं बस मुंह ही खोलते हैं, बाकी कहने को इनके पास कुछ नहीं होता। जैसे कि राहुल गांधी का ये कहना कि गुजरात को अगर किसी ने दूध दिया है तो गुजरात की महिलाओं ने दिया है। मतलब यार पप्पू भी कमाल करता है। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। बड़ा हरामी हो। कभी इंडियन पार्लियामेंट में मुजरा करते हुए नजर आते हैं। अबे ऐसे ऐसे हिला। तो कभी ये ऐसी मशीन बना देते हैं जो एक तरफ से आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना उगलती है। लगता है ये जल्द ही इंडिया को सोने की चिड़िया बना देंगे। सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब यार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो भी एक पूरी फिल्म है। ये अपने हर दौरे पर कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं जिससे ये अगले कई महीनों तक न्यूज चैनल्स की जीनत बने रहते हैं। हेलो। और आखिर में बात करेंगे 2022 में बनने वाले पाकिस्तान के हादसाती वजीर आजम शहबाज शरीफ उर्फ छोटा चेतन की। जितनी कॉमेडी पाकिस्तान के इस वजीर आजम ने की है इतनी शायद दुनिया के किसी और लीडर ने नहीं की। इनका मसला ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कभी ये शेर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। और बाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो क्या है शेर है ना कि अपना मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, क्या उसके पहले मतलब सर बताएं रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, आपने समझा? कभी ये दूसरे ममालिक में जाकर अपनी कुतियां कुतियां करवा लेते हैं। इनको आता है नहीं। खत्म। और कभी ये कैमरे के सामने अपनी ही बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। इन्हें बस डांग फेरने का शौक है, फिर चाहे मंजी इन्हीं की ही क्यों ना हो। आज ने दो ढाई साल चोर डाकू मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मंजी थले आप अपना झाड़ू दें, क्या कहते मंजी थले डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे सॉरी मंजी आई एम सॉरी मंजी थले डांग फेरे। ओ भाई मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।